फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को नए साल का हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पिंकी स्टूडेंट फन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी दो इजी स्टार्टर रेसिपी जिसे आप बहुत ही इजीली बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, दोनों ही रेसिपी में मैंने बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं, बट खाने में बहुत ही लाजवाब है। बच्चों से लेके बड़े सभी इसे बहुत पसंद करेंगे, तो जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिए है 300 ग्राम जितना बेबी पोटैटोस, और इनको अच्छे से साफ करके वॉश कर लिए है। अब इनको प्रेशर कुकर में डालेंगे, साथ में डालेंगे थोड़ी सी पानी और आधा छोटा चम्मच जितना नमक। अब आलू को दो विसल आने तक पकाएंगे। आप चाहो तो खुले में भी पका सकते हैं, पर प्रेशर कुकर में काम जल्दी हो जाएगा। देखिए, आलू पक चुका है। अब हम एक फोर्क के सहायता से ऐसे छेद कर देंगे ताकि जब हम मसालों से आलू को कोट करेंगे तो मसाले आलू के अंदर अच्छे से घुस जाए। अब हम इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच, कश्मीरी रेड चिली पाउडर एक छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच। अब इन सारे चीज़ों को अच्छे से आलू के साथ कोट करेंगे। अब गैस पर चढ़ाएंगे एक पैन और इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच घी। घी जैसे ही मेल्ट हो जाए हम इसमें डालेंगे हमारे मैरिनेट करके रखे हुए आलू को। अब इन्हें मीडियम फ्लेम के ऊपर क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट में ही पोटैटोस फ्राई हो जाएंगे, और क्योंकि हमने इसको पहले ही प्रेशर कुकर में पका लिए थे तो आलू को पकाने के लिए बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2 से 3 मिनट में ही आलू क्रिस्पी फ्राई हो जाएगा और इनका कलर भी चेंज हो जाएगा। अब इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च। अगर आपके पास काली मिर्च पाउडर हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और डालेंगे थोड़ी सी बारीक कटे हुए हरा धनिया, इन्हें भी मिक्स करेंगे। और हमारा पहला स्टार्टर घी फ्राई बेबी पोटैटोस तैयार है। इसे सर्व करेंगे, बहुत ही बढ़िया लगता है। बेबी पोटैटोस वैसे ही टेस्टी लगते हैं और घी के साथ फ्राई करने से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, और इसे बच्चे भी एंजॉय कर सकते हैं। इस रेसिपी को आप इवनिंग स्नैक के तौर पे भी तैयार कर सकते हैं, या फिर साइड डिश के लिए भी बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया लगता है, और अभी तो बेबी पोटैटो सीजन में भी है, तो ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, है ना कितना सिंपल। तो चलिए देख लेते हैं सेकेंड रेसिपी भी। वो भी बहुत ही सिंपल है, बट खाने में बहुत ही लाजवाब टेस्टी है। तो इसके लिए भी मैंने यहाँ पे 1/2 किलो बेबी पोटैटोस लिए हैं और इनको अच्छे से साफ करके वॉश कर लिए हैं। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी नमक और 2 सीटी आने तक पकाएंगे। तो देखिए, पोटैटोस मैंने कुक कर लिए हैं और इनको भी ऐसे फॉर्क से छेद कर लेंगे ताकि जो भी मसाले हम यूज़ करने वाले हैं वो इसके अंदर अच्छे से घुस जाए। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी नमक स्वाद अनुसार, एक छोटा चम्मच रेड चिली पाउडर, एक छोटा चम्मच आमचूर पाउडर। अगर आमचूर पाउडर ना हो तो आप नींबू जूस भी डाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों को करेंगे अच्छे से मिक्स और रख देंगे एक साइड में। अब एक मसाला तैयार करेंगे। तो इसके लिए मिक्सिंग जार में लेंगे 1 कप जितना हरा धनिया, 3 से 4 हरी मिर्च, 10 से 12 लहसुन की कलियां और 1 इंच जितना अदरक। अब इसका एक पेस्ट तैयार करेंगे, बेसिकली एक चटनी बनाएंगे। अब गैस पर चढ़ाएंगे एक पैन और इसमें डालेंगे थोड़ी सी तेल, 1 बड़ा चम्मच जितना। मैंने यहाँ पे सरसों का तेल इस्तेमाल किया है, आप चाहो तो रिफाइंड ऑयल में भी इसे बना सकते हैं। तेल जैसे ही गर्म हो जाए हम इसमें डालेंगे हमारे मैरिनेट किए हुए आलू को और इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए। क्योंकि हमने आलू को पहले ही पका लिए थे प्रेशर कुकर में, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको बनाने में, बहुत ही जल्दी बन जाता है। अब इसमें डालूंगी हमारे तैयार किया हुआ ग्रीन चटनी,
और इसको हाई फ्लेम के ऊपर पकाएंगे जब तक ना इसका सारा पानी सूख जाए। और इसको बीच बीच में ऐसे चलाते रहना है ताकि ये पैन में चिपके ना। जो कि ये एक स्टार्टर रेसिपी है तो हमें इसको पूरा ड्राई होने तक पकाना है, हमें इसका ग्रेवी बिल्कुल नहीं रखना है। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पाइसी स्टार्टर तैयार कर रही हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पे हरी मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा रखी हूँ, आप अपने हिसाब से हरी मिर्च एडजस्ट कर सकते हैं। और ये देखिए 5 से 7 मिनट के अंदर ही इसका सारा पानी सूख जाएगा, और क्योंकि हमने इसको हाई फ्लेम के ऊपर पकाए है तो आलू का जो क्रिस्पीनेस है वो भी बरकरार रहेगा। फ्रेंड्स, ये रेसिपीज़ को जितना बनाना आसान है उतना ही लाजवाब है स्वाद में ये, तो ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। तो ये लीजिए हमारा दूसरा वंडरफुल स्टार्टर रेसिपी सर्व्ड है। और ये जो स्टार्टर रेसिपी है ना, आप अपने फैमिली फंक्शन में भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी ऑप्शन रहेगी और वेज खाने वालों के लिए तो एकदम एक्सीलेंट रेसिपी है ना फ्रेंड्स। सिंपल, क्विक एंड इजी रेसिपीज, प्लीज ट्राई इट वंस विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड आई एम 100% श्योर दैट एवरीवन विल लव बोथ ऑफ दिस रेसिपीज, इवन योर किड्स ऑल्सो। So hit like button, please give your feedback, share with your friends and family, and if you are a new viewer, please subscribe my channel and press bell icon for my fresh updates. So see you soon with some more interesting recipes. Bye, take care, thank you so much, and happy new year.